हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेसन सीरीज के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन के अंदर सबसे पहले है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजी। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो एक अप्रोच होती है टू मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटजी, जो कि फोकस करती है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के ऊपर क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की, प्रोसेसेस और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये एम्फेसाइज करती है इन्वॉल्वमेंट के ऊपर तमाम एम्प्लॉयज़ की इन आइडेंटिफाइंग और सॉल्विंग करना क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज, और एम होता है अचीव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सो मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग है, और दरमियान में एश्योरेंस है। सो वाई फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर क्यों फोकस किया जाए, क्यों? इट्स द मॉरल थिंग टू डू। सो फोकस करना क्वालिटी के ऊपर कंसिडर किया जाता है मॉरल थिंग टू डू, क्योंकि ये इंश्योर करती है प्रोडक्ट और सर्विस के वो मीट करे या एक्सीड कर जाए कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को। और उसके बाद ये कि इट्स ग्लोबल मार्केट प्लेस और मार्केट स्पेस, ग्लोबल का लफ्ज़ है ये, ग्लोबल नहीं ग्लोकल। सो ग्लोकल जो है वो कॉम्बिनेशन है ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स का बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। और आज की जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, बिजनेस जो है वो ऑपरेट होते हैं मार्केट प्लेस में दैट ट्रांसेंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। उसके बाद है नीड टू मीट गवर्नमेंट और मार्केट रिक्वायरमेंट्स। सो फोकस करना क्वालिटी के ऊपर इम्पॉर्टेंट होता है मीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स सेट करती हैं गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज, और इसी के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की। और उसके बाद है फिर एसेंशियल फॉर कॉम्पिटेटिव सक्सेस। सो फोकस करना क्वालिटी के ऊपर एसेंशियल है कॉम्पिटेटिव सक्सेस के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके खुद को मार्केट के अंदर, अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को और सस्टेन करे एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। उसके बाद है अदर थिंग्स ग्रेट ऑफ माई कंपनी। सो फोकस करना क्वालिटी के ऊपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती है शेप करने में जो परसेप्शन है आपकी कंपनी का स्टेक होल्डर्स के दरमियान, इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स। सो जब दूसरे जो है आपकी कंपनी जो है उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो उससे कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड इंटीग्रिटी इन अवर लाइफ। सो मीनिंगफुल वर्क से मेरा ये कि क्वालिटी जो है वो ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट टू अवर लाइफ। सो जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं क्वालिटी, हम स्ट्राइव करते हैं डिलीवर करने के लिए हमारी जो बेस्ट एफर्ट्स हैं, स्किल्स हैं और क्रिएटिविटी प्रोड्यूस किया जाए आउटकम जो कि मीट करे या एक्सीड कर जाए एक्सपेक्टेशन। और इंटीग्रिटी, सो हम फोकसिंग ऑन क्वालिटी रिफ्लेक्ट। सो फोकस करना क्वालिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो कमिटमेंट होती है टू इंटीग्रिटी, जो कि विच इज़ द अलाइनमेंट ऑफ आवर एक्शन हमारी वैल्यूज़ के साथ और प्रिंसिपल्स। और अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि बीइंग ऑनेस्ट, एथिकल और अकाउंटेबल होना इन आवर वर्क। इसका मतलब है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करने के लिए क्वालिटी आउटकम, इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो रिलायबल है, सेफ और बेनिफिशियल है दूसरों के लिए। उसके बाद है फिर व्हाट इज क्वालिटी, नेम सम हाई क्वालिटी गुड्स एंड और सर्विस एंड व्हाट मेक्स देम हाई क्वालिटी। सो जब क्वालिटी की बात की जाए कि क्वालिटी क्या है, सो आप सोचें कि आपके जहन में कौन सी हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज के नाम आते हैं। सो अगर हम बात करें हाई क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज की ऑटोमोबाइल्स के अंदर, अगर हम बात करें गाड़ियों के अंदर हम बात करें, तो हमारे सामने कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ का नाम आता है सामने, BMW और रोल्स रॉयस वगैरह, ये नाम सामने आते हैं क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये जानी जाती हैं हाई क्वालिटी व्हीकल्स के लिए। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे सामने नाम सामने आते हैं सोनी, एप्पल और सैमसंग के। और व्हाट मेक्स देम हाई क्वालिटी, अब क्या चीज़ है जो इन ब्रांड्स को हाई क्वालिटी बनाता है, सो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूज़ ऑफ प्रीमियम मटेरियल, इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल होता है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इनोवेशन भी होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये हर बार वही चीज़ जो है हर साल हम खरीदें तो वही
चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं वही हो, वही फीचर्स हो एक्चुअली जो पुराने फीचर्स हैं, कोई नया फीचर्स ना हो। सो इनोवेशन भी होता है, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी होती है, और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस भी बहुत अहम होती है। सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन कस्टमर सर्विस भी आज के दौर में बहुत अहम है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।